नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपनी लाइफ को विधवत अद्भुत बनाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी में सर्वश्रेष्ठता आपके सामने सन्मुख करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी में तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी रिलेशनशिप लाइफ, तुम्हारी पारिवारिक दाम्पतिक मैरिटल और तुम्हारी शादीशुदा जीवन, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुमधुर हो, इस पर निरंतर काम कर रहे हैं। एक बात पर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका अपना विषय है, आपके जीवन में सब सुलभ हो जाए, प्रेम में आ रही हर बाधा दूर हो जाए, आपके रिलेशनशिप की सारी तकलीफें आज के आज समाप्त हो जाएं, आपकी लव लाइफ में पर्सनल लाइफ में जितनी भी तकलीफें हैं त्वरित समाप्त हो जाएं, आप जिसको प्रेम करते हो उसको 100% प्राप्त कर पाओ, उसका साधन लेकर के आज फिर से हाजिर हो। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। यहां पर एकाकी काम किया जाता है, शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान है। जो भी समस्या आ जाए, तुम तलाक चाहते हो तो भी और नहीं चाहते तो भी, शादी बचाना चाहते हो तो भी, शादी तोड़ना चाहते हो तो भी, आपके शादी में कोई समस्या आ रही तो भी, किसी दुष्ट व्यक्ति से शादी हो गई है तो भी, दुष्ट संग जन देई विधाता वो कहते हैं ना, तो ऐसा अगर कोई दुष्ट जन की संगति में आ गए और उससे मुक्त होना चाहते हैं तो भी, परिस्थितियां विषमतियां विसंगतियां कैसी भी हो, किसी भी परिस्थिति में आप हो, आपको उससे बचाना और उसमें आपको कंप्लीट कराना, इस विषय पर हम पूरा काम कर रहे हैं। प्रेम प्रेम जीवन को खींचता है, प्रेम जहां संगार है वहीं जीवन की उत्कृष्ट भूमिका में काम करने की पद्धति है। प्रेम जहां आपकी अपनी पहचान है, आपके व्यक्तित्व, आपकी स्वभाव, आपका नेचर, आपका आपका अपनी जो अस्मिता और निजता है उसको जहां दर्शाने का काम करता है प्रेम, वहीं आपको आपसे मिलवाने का भी काम करता है प्रेम। प्रेम को सामान्य नहीं समझा जा सकता। यहां रामकृष्ण ने अगर आए, रामकृष्ण ने भी आकर के यहां पर प्रेम की भाषा सिखाई और प्रेम करना सिखाया लोगों। प्रेम वो सुगंधी है, प्रेम वो अद्भुत सुगंध है, अद्भुत बयार है, जो जहां से चलती है और जहां तक जाती है सब जगह रोशन करती है, सब जगह अपनी पहचान बताती है। ये पद्धति, ये सिस्टम, ये व्यवस्था कमजोर नहीं है, इस व्यवस्था से कोई अछूता नहीं है। इस व्यवस्था में हम आपके अपने जीवन को 100% सुव्यवस्थित करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में प्रेम है, हम आज कह रहे हैं कि अगर आपके अपने जीवन में आप प्रेम को किसी भी रूप में मानते हो तो प्रेम आपकी तरफ आ सकता है, प्रेम आपको मिल सकता है, प्रेम सदा के लिए आपका हो सकता है, जन्म जन्मांतर का बंधन बन सकता है, जन्म जन्मांतर की व्यवस्थाएं मजबूत हो सकती हैं, जन्म जन्मांतर का सिचुएशन आपके पक्ष में हो सकता है। इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए कुछ थोड़ी सी लौंग सामग्री, जल्दी से समझ लो। इसके लिए थोड़ी सी लौंग चाहिए, और क्या चाहिए? कलावा चाहिए, लौंग चाहिए, कलावा चाहिए और सिंदूर चाहिए। सिंदूर रक्त वर्ण वाला, एक तो होता है पीला और दूसरा होता है लाल, तो आपको लाल चाहिए, सुर्ख लाल। और देखो, एक को थोड़ा गंभीरता से समझना, अगर इसमें आप त्वरित लाभ चाहते हो तो आपको विशुद्ध सिंदूर चाहिए होगा, बनावटी और डुप्लीकेट नहीं। क्योंकि सामान अच्छा हो, सामग्री ठीक हो तो आपका काम अपने आप होने लगता है। वस्तु अच्छी लेनी है तो सामग्री अच्छी चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए तो उसमें प्रोडक्ट अच्छा डालना पड़ेगा, तो आपका भोजन अच्छा बनेगा, बनाने वाले के साथ साथ सामान भी अच्छा चाहिए। अगर ये दोनों में से कहीं पर भी कोई कमी होगी तो फिर बात नहीं बनेगी, इस बात पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
तो आज हम कह रहे हैं कि ये सारी की सारी चीजें आपके पक्ष में हो सकती है। इसके लिए आपको लौंग चाहिए, कलावा चाहिए और चाहिए सिंदूर लाल वाला। बस इस तीन सामग्रियों से, इन तीन सामग्रियों का बड़ा अद्भुत संयोग है, आपस में बंधन है इसका। कलावा जहां बंधन का काम करता है, क्या कहते हैं पंडित जी लोग जब कलावा बांधते हैं हाथ में, यो न बद्धे बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन तुम प्रतिपदनाति रक्षे माचल माचल, ऐसा कह के बांध देते हैं। तो ये रक्षण का काम करता है कलावा। इसलिए लौंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा साधन है लौंग, जो आपके जीवन में त्वरित काम करती है। तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच कोई भी बाधा होने दो, बिना लौंग के काम नहीं चलता। लौंग एक ऐसी अद्भुत सामग्री है जो त्वरित काम करती है। लौंग बिना मंत्र के भी मंत्रित होती है, ये बात आपको नहीं पता होगा, ये बात आप जान लो आज। अब अगली बात सिंदूर, अगर असली हो, कलकतिया सिंदूर थोड़ा अच्छा माना जाता है और उसमें भी एकाध कुछ ऐसे सिंदूर भी है जो लाखों रुपए में एक चुटकी मिलते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या कहते हैं उसको, क्या उसका नाम है, हम सब चीजों पर बात करेंगे, पर वो तुम्हारे काम का नहीं है। कलकतिया सिंदूर ही बहुत सफिशिएंट है। एक भोजपुरी में लाइन है, किसी ने मुझे अभी जल्द में आजकल में ही बताई, लेते यो रे पिया सिंदूरा बंगाल से, तो बंगाली सिंदूर थोड़ा ज्यादा अच्छा काम करता है। पुराने जो लेखक थे उनकी लेखनी में तीखापन था, उनकी लेखनी में नोक थी और वो चुभाने वाली बात होती थी। उनकी लेखनी के शब्दावली में एक एक शब्द अंदर तक जाने का काम करने वाला होता था। लेते यो पिया सिंदूरा बंगाल से, तो वो सिंदूर मुझे भोजपुरी नहीं आती, यद्यपि मेरी भाषा नहीं है ये, पर मुझे कुछ मधुरता लगती है भाषाओं में। जैसे मुझे गुजराती में बड़ा मधुरता लगती है, मराठी में लगती है, मुझे पूरब की भाषाएं खींचती हैं, मुझे तमिल तेलुगु कन्नड़ खींचती है। यद्यपि मैं हर भाषा में पारंगत नहीं हूं, परंतु उसके पश्चात भी किसी न किसी रूप में मैं बात तो कर सकता हूं, थोड़ी बहुत काम तो चला सकता हूं, क्योंकि मुझे भाषाएं खींचती हैं अपनी तरफ। मुझे शौक है भाषाओं को सीखना, चीजों के बारे में जानना, जनरल नॉलेज निकालना, इन सब चीजों के बारे में मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है, मैं आनंद लेता हूं इस विषय पर। तो खैर, सिंदूर अगर असली हो तो काम ज्यादा करता है। ये तीनों की तीनों सामग्रियां अपने आप में, हर एक सामग्री अद्भुत है, हर एक सामग्री इंडिविजुअल काम करने वाली है। तीनों की तीनों चीजें ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति डाल देंगी, महाकाली महालक्ष्मी की शक्ति प्रवेश करा देंगी इसमें। ये इतनी अद्भुत शक्तिशाली पद्धति और प्रयोग आपके सामने आज साझा कर रहा हूं, जो बड़े बड़े तांत्रिक भी नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा तांत्रिक लाखों करोड़ों रुपए लेकर के तुम्हें बर्बाद कर रहा होगा, वो भी नहीं कर सकता। हमारी हर एक व्यवस्था के साथ तुम हो, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम सब तरफ खड़े हो, इसलिए अच्छा लगता है। तुमने आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया है, तुम्हारे आसपास बड़ों बुजुर्गों को तुमने प्रणाम करना शुरू कर दिया है, तुमने पानी पीना शुरू कर दिया, तुम पॉजिटिव हो गए हो। निगेटिव चीजें तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती, समझ नहीं आती। तुम अपने आप को सुंदर बना के रखते हो, अपना खूब ध्यान रखते हो, अपनी दिनचर्या तुमने ठीक कर ली, रात में सही समय पर सोना, सुबह सही समय पर जगना, तुमने बाहरी लोगों से बिना मतलब का वार्तालाप बंद कर दिया है, तुमने वो सारे के सारे कर्म बंद कर दिए जिससे तुम्हारा कार्मिक अकाउंट खराब होता था। तुम बहुत सुधर गए हो, तुम सब चीजों में ठीक होने लग गए हो। मैं तुम्हें चलाने की कोशिश जिस तरह कर रहा था, तुम चलने लग गए, इसलिए मुझे चलाने में मजा आ रहा है, इसलिए मुझे कहने में आनंद आ रहा है। लेकिन इस पाठशाला की एक और पद्धति है जो अभी कुछ बच्चे नहीं मान रहे, कुछ लोग हैं अभी भी, कुछ हैं 20-50 ही, लेकिन हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, कृपया समझने की कोशिश करें, या तो किसी और को मत देखो या तो मुझे मत देखो, क्योंकि हम दोनों ही तुम्हारे काम के नहीं रह जाएंगे। फिर आधी छोड़ी पूरी को धावे, आधी छोड़ के पूरी के लिए भागने वाला, धावे मतलब भागना, आधी छोड़ी पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। जहां तुम आधी और पूरी को कंपेयर कर रहे हो ना, कौन सा आधा कौन सा पूरा, तुम्हें पता नहीं है।
किसी एक तरफ हो जाओ वरना तुम त्रिशंकु रह जाओगे, ना इधर के ना उधर के, दोनों तरफ अटक के रह जाओगे। सीधा उपाय की ओर आपको लेकर चलते हैं। आज जो सोल्यूशन जो उपाय है वो बहुत बहुत अद्भुत है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको 108 लौंग लेनी है और उन लौंग को कलावे में बांध बांध करके एक माला बना लेना है 108 की। अब करना यह है 108 में सारी एक साथ बांध देना, जो नवी वाली होगी आपको 109 लेनी है। 108 तो सीधा सीधा बांध दिया माला था, और 9 को एक ऊपर के साइड में लगा देना, यानी 8 तक आप हर लौंग को एक धागे से बांध रहे थे। जब नवी बांधेंगे तो उसको पूरा गोल करके दोनों धागों से एक साथ उस लौंग को बांधना है जो 9 नंबर की है। ये आपकी बन गई लौंग और कलावे की माला। अब इस माला में हर लौंग पर थाली प्लेट किसी भी चीज में रख करके आपको सिंदूर डालना है और बोलना है एंग रिंग क्लिंग चामुंडा ये बिच्चे, ऐसे एंग रिंग क्लिंग चामुंडा ये बिच्चे, ऐसे ये बोलते रहिए और डालते रहिए। उसमें स्पर्श करिएगा, टच करिएगा, लगने दीजिए उसमें सिंदूर। सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है, सौंदर्यता का प्रतीक है। सिंदूर तंत्र मंत्र का प्रतीक है, शादी विवाह कराने का प्रतीक है, सात फेरों का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, लव का प्रतीक है, रिलेशनशिप का प्रतीक है। सिंदूर वो है जिसका दान देने से तुम दो नहीं एक हो जाते। उसी भाव से करना। और एंग हिंग क्लीन चामुंडा है बिच्चे क्यों, बड़ा कॉमन मंत्र है, सब जानते हैं, इसमें क्या खास बात है? तुम अभी तक इसकी ताकत नहीं समझते थे, तुम ताकत समझ के करना इस बार। इस बार क्या करना, तुम ये मत कहना एंग हिंग क्लिंग चामुंडाए बिच्चे केवल, तुम ये कहना कि एंग हिंग क्लिंग ये तीन अक्षर हैं और इन तीन अक्षरों में महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती विद्यमान है। शास्त्र कहता है, देवी भागवत कहती है, क्या कहती है, क्या कहती भैया, कहती है एंकारी सृष्ट रूपागे क्रिंकाली काम रूप नहीं, अहंकारी श्रेष्ठ रूपाये हृंकाली प्रतिपालिका क्लिंकाली काम रूपणी बीज रूपे नमोस्तुते। हाँ, सृष्टि का निरूपण करने वाला एक शक्ति एक अक्षर में, दूसरे अक्षर में प्रतिपालन करने वाला, और तीसरे अक्षर में संहार करने की शक्ति विद्यमान है इस मंत्र में। इस भाव से करना, तीन शक्तियां, तीन महान शक्तियां, तीन अद्भुत शक्तियां और तीन पराक्रमी शक्तियां जिन्होंने पूरे विश्व को हमेशा बचाया है। इस बार माता की कृपा तुम पर सीधी होने वाली है। इस पूरे भाव के साथ वो सिंदूर लगाना। लगाने के बाद या तो बहुत सारा कपूर रख करके एक साथ एंग्लिंग क्लिंग चामुंडाए बिच्चे करके स्वाहा कर देना, और या तो कुछ लकड़ियों से भी कर सकते हो जैसे तुम्हारे पास सुविधाजनक हो, थोड़ा सा ही जल जाएगा, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। इस जली हुई राख को अपने पास रखना, इस जली हुई राख का, थोड़ी ही राख सही लेकिन इसका एक ताबीज बना लेना, छोटा सा ताबीज आपको बहुत आराम से मिल जाएगा मार्केट में। इस राख को उसमें भर करके पहन लेना, या इस राख को किसी कागज में लपेट करके, कपड़े से लपेट करके भी अपने पर्स में या अपने पास डाल लेना। सिर्फ इतना कर लेने मात्र से तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी भी तरह की प्यार की समस्या आएगी ही नहीं, पूरी दुनिया में तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। करके देखो, पूरी अनुभूत प्रयोग है और बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियां प्रसन्नता आनंद और वैभव भरे, भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्यार खूब सारा भर दे। अपना ध्यान रखना, पानी पीना, सुंदर बनना, खुश रहने की कोशिश करना, प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करने से लाइफ खराब हो जाती है। अपना बहुत ध्यान रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूं उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, गुदगुदाहट है, मुस्कुराहट है, आनंद है, सुकून है, सुख है, उसी का नाम तो प्रेम है।